ज्वालामुखी उपमंडल की पंचायत दिरीन के गांव चौकी व सिल्हा पंचायत के गांव मोराड़ में दो पॉजिटिव सेना के जवानों के घरों में प्रशासन ज्वालामुखी निरीक्षण व पूछताछ के लिए पहुंचा। गत दिवस इन दोनों गांवों में दो कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। ये दोनों आर्मी जवान हैं और इनकी ट्रेवल हिस्ट्री लेह की है। ज्वालामुखी तहसीलदार जगदीश शर्मा व पंचायत सचिव उदय सिंह प्रधान आशा वर्कर आदि इनके घरों में पहुंचे और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। वो आसपास क्षेत्र व घर में सैनिटाइज भी करवाया गया। परिजनों से जानकारी ली गई कि जवान घरों से बाहर किससे मिले या इनसे कौन कौन मिलने आया, जबकि परिजनों ने मना किया कि दोनों होम क्वारंटीन थे और कोई मिलने नहीं आया। फिलहाल दोनों सेना के जवानों को शिफ्ट कर दिया गया है और उनके प्राथमिक संपर्क में आए लोगों को भी होम क्वारंटीन किया गया है। तहसीलदार जगदीश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों जवानों के घरों के आसपास का क्षेत्र सैनिटाइज करवाया गया और उनके प्राइमरी कॉन्टेक्ट में आए लोगों को होम क्वारंटीन किया गया। इन सभी के सैंपल लिए जा रहे हैं। फिलहाल उनके क्षेत्र की एक सोसाइटी डिपो को भी एहतियात के तौर पर सैनिटाइज कर बंद करवाया गया है। गौरतलब है कि एक 21 वर्षीय जवान चौकी से है, जिसकी 21 जुलाई की ट्रेवल हिस्ट्री लेह की है, जबकि दूसरा जवान 31 वर्षीय है, जो कि गांव मोराड़ सिल का रहने वाला है और इसकी ट्रेवल हिस्ट्री 18 जुलाई की लेह से है। इन दोनों में 21 वर्षीय जवान को योल में शिफ्ट किया गया, जबकि दूसरे 31 वर्षीय जवान को डाड़ में शिफ्ट किया गया। आज यहाँ स्थानीय प्रशासन की तरफ से श्री जगदीश शर्मा जी मौके पर ग्राम पंचायत सिल के गांव मोरड़ में पहुँचे हुए थे। जो कल यहाँ एक लड़का आर्मी से था, कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, इसके संदर्भ में आज श्री तहसीलदार श्री जगदीश शर्मा जी यहाँ पर आना हुआ था। जवान के घर के सैनिटाइज किया गया है और उसको प्रशासन की तरफ से उनके द्वारा जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं और उनको बताया गया है कि इस जवान के घर के सदस्य जो भी संपर्क में आए हैं उनका जल्दी से जल्दी सैंपल लिए जाएंगे।